हाई डियर स्टूडेंट्स, आई एम बी पंडित, द डायरेक्टर ऑफ मिराकल इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज आपका DSE पेपर 2 का एग्ज़ाम था इंग्लिश ऑनर्स में, तो आइए हम लोग MCQ को मिलाते हैं, जिसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 12 MCQ है और बहुत आपका हल्का हल्का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। आज कहते हैं वॉट्सवर्थ वाजे, वॉट्सवर्थ कौन था, तो इसका आंसर होगा रोमांटिक पोएट था। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग को ज़्यादा हम ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, जो आंसर है उसी को करेक्ट करेंगे। कहते हैं ST कॉलरिज इज ए पोएट ऑफ, आपका ST कॉलरिज मैंने क्लास में बार बार बताया है, पोएट ऑफ सुपरनेचुरल माने जाते हैं। कहते हैं द डैफोडिल्स कंसिस्ट ऑफ, का डैफोडिल्स में जो है वो 4 स्टेंजा का पोएम है। डियर स्टूडेंट, ये 3rd नंबर आपका सही होगा ये। और फिर आगे आते हैं, वॉट्सवर्थ कंपेयर्स हिज लॉन्ली मोमेंट दैट ऑफ, ये लॉन्ली मोमेंट को जो है आई वंडर्ड लॉन्ली एज ए क्लाउड, इसका मतलब है कि ये क्लाउड से ये कंपेयर करता है। डियर स्टूडेंट, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ई में, द कलर ऑफ डैफोडिल्स फ्लावर इज, ये गोल्डन कलर का था जो आप लोगों को मैंने बताया था, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और द डैफोडिल्स फ्लावर रिप्रेजेंट्स, क्या ये ह्यूमन लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत लोग जो है नेचर मारे होंगे, तो ये सही नहीं होगा। डियर स्टूडेंट, नेचर को है, नेचर तो है ज़रूर, लेकिन ये रिप्रेजेंट ह्यूमन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बर्थ को और एडल्टहुड को और डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका। आप कहते हैं जी में ग्रे बियर्ड लूम मीन्स इन एंशिएंट मैरिनर, एंशिएंट मैरिनर को ओल्ड और सिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। डियर स्टूडेंट, आप आ जाते हैं नेम द बर्ड ऑफ एंशिएंट मैरिनर, मैंने बार बार आप लोगों को बोल रहा था कि ये सब क्वेश्चन आने वाला है, एल्बट्रस था आपका। फिर क्वेश्चन नंबर आई में देखते हैं, हु रोट क्रिस्टाबेल, तो ST कॉलरिज का लिखा हुआ एक क्रिस्टाबेल है। डियर स्टूडेंट, आप कहते हैं हु रोट द प्रिल्यूड, द प्रिल्यूड का जो है ये विलियम वॉर्ड्सवर्थ, इसलिए जब मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को तो उसके बारे में, राइटर के बारे में मैं ज़रूर लिखाता हूँ और पढ़ाता हूँ क्लास में, बार बार आप लोगों को इम्फेसाइज करता हूँ। और ये यही वाला एग्जाम में आप लोगों का CUT में इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा। एनी दिलाड वाज बोर्न इन 1945 में इनका जन्म हुआ। एनी दिलाड इज मोस्ट नॉन फॉर, जो ये एसेज के लिए जानी जाती थी आपका, प्रोज एसेज के लिए जानी जाती थी ये एनी दिलाड। तो इस तरह से मैंने देखा कि सारा चीज़ है। आप हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं लॉन्ग में, जो आपका जो है 2 क्वेश्चन लिखने के लिए बोल रहा है। पोएम्स ऑफ वॉर्ड्सवर्थ हैव हीलिंग पावर, एक्सप्लेन व्हाट द कॉन्सेप्शन ऑफ लव एंड द पोएट्रीज प्रोजेक्टेड राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, सारा चीज करवाया गया था। डियर स्टूडेंट, आर कंसिडर्ड एनी दिलाड एज ए राइटर, व्हाट डू यू दिलाड फाइंड एंड द वुड्स, ये चीज़ है। अब एंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 16:3 है। अब इसमें कहता है क्रिटिकल अप्रिसिएट ऑफ द आपका पोएम राइम ऑफ सोलेचरी रिपर का बारे में, यहाँ पर व्हाट इज द मैसेज द बिहाइंड द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर का मैसेज पूछ रहा है, या तो डिस्कस ST कॉलरी एज ए पोएट ऑफ, इसमें है एनी दिलाड रिप्रेजेंट द नेचुरल वर्ल्ड एज बोथ ब्यूटीफुल एंड द क्रूएल, ये मैंने भी बताया था आप लोगों का। एनालाइज द पिलग्रिम्स एट टिंकर क्रिक एज ए स्पिरिचुअल एक्सकर्सन ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैंने गेस्ट क्वेश्चन करवाया था। डियर स्टूडेंट, तो आप लोग जो है, अब एग्ज़ाम समाप्त हो गया है, तो आप लोग जम के जो है CUT का एग्ज़ाम का तैयारी करें, सो दैट यू मे गेट अ मोर एंड मोर गुड मार्क्स एंड यू कैन टेक द एडमिशन इन BHU एंड JNU एंड अदर यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल एंड द स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। एंड आप लोगों को जो है क्लासेस में सेमेस्टर 6 का जो है मई में, 5 मई या तो 6 मई से संभावित डेट रहेगा, आप लोगों को क्लासेस चालू कर दिया जाएगा। और इस बार बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आपको, 2 मंथ्स में जो है आप लोगों को 4-4 पेपर को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आपका लास्ट है स्टूडेंट, लेकिन लिस्ट नहीं है, इसलिए अगर अंत भला तो सब भला। दैट्स ऑल फॉर डियर।